नमस्कार परिवहन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपडेट है दिल का दौरा एवं दिल की धड़कन रुकना, ये दोनों संबंध जुड़ा हुआ है, फिर भी अलग है। हार्ट अटैक एवं कार्डियक अरेस्ट इन ही विषयों पर से विस्तारित जानकारी देते हुए डॉक्टर अरुण कुमार राज ने बताया है, दही खाने के फायदे। रोजाना दही के सेवन से इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसी चर्चा के साथ ललिता कुमारी गृहिणी के द्वारा बताई गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। हार्ट अटैक से कितना अलग है कार्डियक अरेस्ट, किन बीमारियों से जूझ रहे थे राहत इंदौरी। मशहूर शायर राहत इंदौरी मंगलवार 11 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। मंगलवार की सुबह ही सोशल मीडिया पर उन्होंने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना दी थी। कुछ ही घंटे बाद उनकी मौत की खबर आई। अभी पिछले ही महीने मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की मौत भी कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। इसके पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी जयललिता, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत का कारण भी कार्डियक अरेस्ट ही था। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि कार्डियक अरेस्ट आखिर होता क्या है, क्या यह हार्ट अटैक जैसा है या फिर उससे अलग है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग हैं तो दोनों के बीच क्या अंतर होते हैं, किन बीमारियों से जूझ रहे थे राहत इंदौरी। राहत इंदौरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वह अरविंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। अस्पताल के निदेशक के मुताबिक इलाज के दौरान पता चला कि वह कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, जिनमें पाइलेटर निमोनिया, 70% लंग खराब, डायबिटीज शामिल है। मंगलवार को उन्होंने दिल का दौरा पड़ा और सीवियर अटैक आया। निदेशक ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के बाद एक बार वे रिवाइव भी हुए पर उनकी मौत हो गई। सबसे पहले जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में दिल के भीतर के हिस्सों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान गड़बड़ हो जाता है। इस कारण दिल की धड़कन पर बुरा असर पड़ता है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन के जरिए मरीज के अर्थात CPR के जरिए मरीज के हार्ट रेट को नियमित और सुचारू रूप से कोशिश की जाती है। जिन लोगों को पहले हार्ट अटैक हो चुका होता है उन्हें कार्डियक अरेस्ट की आशंका ज्यादा रहती है। अचानक क्यों होता है कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट अचानक से होता है। शरीर की तरफ से इसकी कोई चेतावनी नहीं मिलती। आमतौर पर दिल में होने वाले इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी के कारण धड़कन का तालमेल बिगड़ जाता है। इस कारण दिल की पंप करने की क्षमता प्रभावित होती है और हमारे दिल, दिमाग या शरीर के दूसरे हिस्सों तक खून पहुंच पाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में बहुत कम समय में व्यक्ति बेहोश हो जाता है और नब्ज भी जाती रहती है। अगर सही वक्त पर सही सपोर्टिव इलाज ना मिले तो कार्डियक अरेस्ट से कुछ मिनटों में ही मौत हो जाती है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक के दौरान दिल के कुछ हिस्से में खून का बहाव जम जाता है। ऐसे मामले में इलाज मिलने में जितनी देर होगी दिल और शरीर को उतना ही अधिक नुकसान होता चला जाएगा। इससे लक्षण तुरंत भी दिख सकते हैं और कुछ देर भी हो सकती है। हार्ट अटैक आने के कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद तक इसका असर देखने को मिलता है। कार्डियक अरेस्ट की तरह हार्ट अटैक में दिल की धड़कन अचानक बंद नहीं होती। आपस में गहरी जुड़ी है दोनों बीमारियां। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों ही बीमारियां आपस में गहरी जुड़ी है। कई बार हार्ट अटैक के दौरान या उसकी रिकवरी के दौरान भी कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना रहती है। चूंकि हार्ट अटैक में दिल की धड़कन तुरंत बंद नहीं होती, इसलिए कार्डियक अरेस्ट की तुलना में हार्ट अटैक मरीज को बचाए रखने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार दिल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की समस्या है। शरीर में जब ब्लड नहीं पहुंचती तो वह कार्डियक अरेस्ट की शक्ल ले लेता है। जब इंसान का शरीर ब्लड को पंप करना बंद कर देता है तो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उसे सांस लेने में
बहुत तकलीफ होने लगती है। इसके कई लक्षण पहले भी नहीं दिखते हैं और कार्डिक अरेस्ट मौत होने की खतरा कई गुना बढ़ जाता है। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। रोजाना दही का सेवन बढ़ाएगा इम्यूनिटी, साथ ही सेहत को होंगे बहुत सारे फायदे। भारतीय खाने की जान है दही, फिर वो चाहे चीनी के साथ मीठा टेस्ट लिए हो या फिर रायते के रूप में। एक पारंपरिक भारतीय थाली में रायता बेहद खास जगह रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दही केवल स्वाद के लिए नहीं खाई जाती, बल्कि इसे खाने से सेहत को बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपको दूध पीना कम पसंद है तो दही खाइए, क्योंकि दही में भी कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसके साथ ही रोजाना एक कटोरी दही का सेवन गर्मियों में सेहत के साथ शरीर को भी गर्मी से राहत दिलाता है। तो चलिए जानें, दही खाने से सेहत को क्या क्या फायदे होते हैं। अक्सर हमने सुना है कि रोज दही खाना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल एक कटोरी दही खाने से शरीर को इतने सारे मिनरल्स मिलते हैं कि शरीर आसानी से स्वस्थ रह सकता है। दोपहर के भोजन में दही खाने का नियम स्वस्थ रखने का सरल तरीका है। इम्यूनिटी सिस्टम, दरअसल दही खाने से शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम सही रहता है। बहुत सारे शोधों में ये बात सामने आई है कि दही में मौजूद बैक्टीरिया बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। पेट से जुड़ी बीमारियों के लिए तो दही किसी औषधि से कम नहीं। पाचन क्रिया को सुधारता है। रोजाना दही खाने से शरीर में प्रोबायोटिक की मात्रा बढ़ती है, तो आंतों को सुरक्षित रखने के साथ ही उन्हें गर्मियों में होने वाली बीमारियों जैसे डायरिया और पेट दर्द से राहत देता है। अगर दही को नियम से खाया जाए तो इससे वजन भी कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। दही अगर कम फैट वाले दूध से बनाई जाए तो ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल से लड़ने वाले तत्व पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो खून को साफ करते हैं। साथ ही कैल्शियम की मात्रा दिल की मसल्स को फिट रखने में मदद करती है। दही में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए हड्डियों और जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है। हड्डियों में होने वाले दर्द और घर्षण को सही दही खाने से दूर किया जा सकता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।